वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं अभी एकदम बढ़िया हूँ, एक्साइटेड हूँ। और श्वेता मेरी तरफ देख रही है, मुझे हंसाने की कोशिश कर रही है, पर नहीं, मैं नहीं हंसूंगी। देखो, इसी रीजन की वजह से ना, जो पीछे गंदी सी बैकग्राउंड नॉइज आती है ना इसकी, ठीक है, इसी रीजन की वजह से मेरे व्लॉग्स में इतना ज्यादा गैप आता है, ठीक है। ये ना खुद इन लोगों ने कुछ करना होता है, ना करने देना होता है, इनको प्लक्कर चाहिए। कहाँ से ढूंढू मैं प्लक्कर को। एज यूजुअल हम करते हैं इग्नोर, क्योंकि इग्नोर ही कर सकते हैं ऐसे प्राणियों को हम। तो अच्छी बात करते हैं अब। तो अच्छी बात ये है गाइस कि हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। यार मुझे बहुत गंदे तरीके से देख रही है, और नहीं, अपने आप को रिकॉर्ड भी नहीं करने देगी। अगर मैं चाहूँ ना तो ये अब नहीं करने देगी। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी इसकी शक्ल देखो कि ये शक्लें कैसी बनाती है, ठीक है। अब मुझे अच्छी बात करने दो प्लीज गाइस। यस, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, मैं और श्रिता और मेरे कुछ ऑफिस मेट्स, हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। आई एम सो एक्साइटेड गाइज। इतना रैंडम प्लान बना था ये, ठीक है। जब मैंने सुना, एक्चुअली कुछ टाइम पहले मेरी फैमिली गई हुई थी, मेरी नानी वाली साइड की सारी फैमिली गई थी, मम्मा भी गए थे, और मैं घर पे ही थी, बट फिर भी मैं जा नहीं पाई बिकॉज नेक्स्ट डे मुझे कुछ अर्जेंट वर्क से वापस आना था चंडीगढ़। तो मुझे उस टाइम इतना बुरा लगा था कि मेरी सारी फैमिली जा रही है और मैं नहीं जा रही। पता नहीं मैंने क्या ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, दिमाग सुनने लग पड़ता है कि शायद मुझे बुलावा नहीं है या कुछ नहीं। और आज देखो, आज वो घड़ी आ गई है। इतना रैंडम प्लान यार, लाइक किसी ने बात करी कि हाँ भाई वहाँ चलते हैं वीकेंड पे, एंड आई वाज लाइक, अब मुझे किसी की नहीं सुननी, अब मुझे जाना है, ठीक है। अब तो मुझे जाना है, तो जाना है तो मतलब जाना है, ठीक है। माता रानी ने बुला लिया, अब नहीं रुकने वाली मैं। तो बस अभी हम रेडी हो चुके हैं, डिनर करेंगे थोड़ी देर में। हमारी बस है 10 बजे, हमारी बस है 52 से, यस। तो आपको मिलते हैं बस स्टैंड में। बस स्टैंड से पहले अगर ये मैडम जी रेडी हो जाते हैं तो इनसे भी मिलवा दूंगी आपको। मिल लीजिए, ये रेडी है। सुसाइड गाइज, मिल लीजिए इससे, ठीक है। ये रेडी है हमारी अम्मा, ठीक है। तो इस अम्मा को लेके जा रहे हैं ये। एक्चुअली कभी ना किसी, बस मैं भी किसी ट्रैक पे नहीं गई हूँ। इस व्यक्ति को इतनी हाई टॉप जगह पे लेके जाना जहाँ पे टेम्परेचर विल बी डाउन, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ना मेरे लिए खतरे से खाली है, बिकॉज मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। आई एम सॉरी, मैं इसको कहाँ कहाँ झेलूँ, कहाँ कहाँ लेके जाऊँ, ठीक है। अब परमात्मा ही है और ये है, सीधी सी बात, ठीक है। जो भी है, ठीक है, अपना ध्यान ये खुद रखे वहाँ पे, ठीक है। ये साइनस पेशेंट है, तो ये मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसको जितना हम कवर करके रखे वहाँ पे उतना ही बेटर रहेगा इसके लिए। वीडियो कॉल करके बताती हूँ। जल्दी से अब डिनर कर लेते हैं और फिर चलते हैं, ताकि हम जल्दी लेट। यार इसका प्लक्कर ढूंढ दो यार, इसको ना गाइस जो जो सुन रहे हैं ना, प्लीज इसको प्लक्कर गिफ्ट करना इसके बर्थडे पे प्लीज। और गंदे या कैसे पिंपल हुए पड़े हैं, वो नहीं, मैंने मेंशन करा एक भी बार, तेरा वो हो गया, तेरे काय पिंपल हो गया, काय बोलिया। हाँ तो गाइस दिखाओ, कहीं भी जाना होता है, कोई फंक्शन होता है, डीजे की शादी में भी इतना गंदा ये एक्ट नहीं आया था जिसका स्कार अभी भी है यहाँ पे, ठीक है। अब कल रात को सोए सोए देखो, कहीं जाना हो, कोई फंक्शन हो, मुझे तो लगता है ये ना, मैं आदत सी होगी यार अब मुझे ऐसे रहने में। और ये पीछे जो बड़ 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 आप सुन रहे थे, ठीक है, वो भी यही कह रहे थे कि उनको ना माथे पे यहाँ पे बिंदी आ गई हुई है, ठीक है, पिंपल आ गए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। तो बस ये लड़कियों का दुख यार मैं समझ सकती हूँ, शायद लड़कियाँ रिलेट कर रही होंगी। मुझे है, एक्चुअली में मुझे है, क्योंकि ऐसे ऐसे नहीं, आप नहीं आते ना लड़कियों की कैटेगरी में, आप लड़का ही हो, ठीक है। हमारी बस आते हुए हम इस बस में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे श्वेता की फिर से बड़बड़ खत्म नहीं हो रही है, और बस का लाइट देख सकते कितनी जोर से आ रही है, तो चलते हैं। चुके हैं इस टाइम बस में, और बस में पहुँच गए हैं, बहुत बड़ी बात है। अब धीरे धीरे आगे आगे जाना है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, पर जय माता दी, माता रानी हिम्मत दे बस, और पहुँच जाते हैं। और ये है मेरी हमेशा की तरह हर जगह पार्टनर, नमस्ते कल तो। जय माता दी। जय माता दी। सो आर यू एक्साइटेड? आई एम, बट आप एक बार ये बताओ तो मैं डर के बैठी एक बार दिखा यार। कुछ नहीं, अब रात का टाइम है तो स्लीपर बस में ऐसे ही होगा, मैं आपको बता देती हूँ ना। बस इतनी पड़ रही है, और ये अपनी कुछ ऐसी सीट है, डबल सीट, और ये मैंने कर्टन्स लगा दिए हैं यहाँ पे, और बस यही है अपना आज रात का अड्डा। और टाइम बज चुके हैं 10, और हम पहुँचेंगे वहाँ पे कितने बजे? 7 बजे। सात बजे सो जय माता दी।
गाइस आपको आपको ये व्यक्ति दिख रही है और सर इसने पता क्यों पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये ना मिरर है, ठीक है। तो ये जो आप पहले कर रहे थे वो करो ना, ये कह रही थी कि मैं बाहर लोगों को डराती हूँ, ठीक है, और ये देश का ये कहती मैं लोगों को डराती हूँ, ठीक है, और सीधे ठा करके इसको घायल हो चुकी है। अब ये हरकतें वैसी हैं इनकी, कहाँ लेके जाऊँ इनको मैं, डायरेक्ट कट रहा हूँ, सॉरी कहाँ जा रहे हो? हाँ वही वैष्णो देवी पहुँच गई थी अभी 2 सेकंड में। अच्छा सही में बहुत जोर का बजा भाई, तो किसकी गलती है इसमें? अब मैं डरा दी, देख अभी देखती हूँ। हाँ डरा, चल डरा। क्या बंदी है यार ये, पर मतलब ने मुझे बोला कि तुझे चार गालियाँ निकाल के जाएंगे, तो क्या मेरी जिंदगी में कोई फर्क आएगा? नहीं, इसको शौक है यार, प्लीज कमेंट सेक्शन में इसके लिए अलग से मैं बना देती हूँ, हाइट नहीं करूंगी, निकाल देना गालियाँ इसके लिए सारे, ठीक है? हाँ जी यार, नहीं यार प्लीज मत करना। अभी हम आज सुबह ये कॉन्ट्रोवर्सी देख रहे थे, एक और हम देर भी पाएंगे, नो कॉन्ट्रोवर्सी, नो कॉन्ट्रोवर्सी गाइस। गाइस अभी बस थोड़ी देर रुकी थी तो अभी थोड़ा फ्रेश हो गए, ऑलमोस्ट डेड हो गए थे, 12 बज चुके हैं। कहाँ हैं हम अभी ये नहीं पता, तो बस कुछ एक स्नैक्स वगैरह लिए और वापस आ गए हैं बस में। और इन मैडम के अभी से ही सर दर्द होना स्टार्ट हो गया है, और ये बीइंग केयरलेस इन्होंने अपने साथ कोई दवाई नहीं लेकर आया है, लाई है भाई, हम सजाने के लिए दवाई लेकर आए हैं वो, ठीक है। तो बस हम अब सोने का टाइम आ गया तो सोते हैं, लूडो वगैरह खेल लिए हमने बस, तो अब सुबह मिलते हैं। बुक किया है गाइस, ठीक है, हमारा कमरा है छोटा सा गाइस, तो बस हम सुबह पहुंच जाएंगे माता रानी की नगरी में कटरा में, तो ठीक है गाइस, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन। तो आपको मेरे रिएक्शन से पता लग गया होगा, तो अब हम पहुंच गए हैं जम्मू, सुबह के बज गए हैं 5 और हमें यहाँ से अब करनी पड़नी है बस चेंज कटरा के लिए। तो मैं और मेरे साथी अब बस का वेट कर रही है, हमारी बस थी जिस जहाँ से हम चंडीगढ़ से आए थे, तो जम्मू पहुँच गए। सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, बट मैं बस ये बोलना चाहती हूँ जो नॉर्मल स्लीपर्स में आते हैं मुझे लगा वो ब्लैंकेट देते, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, तो आप अपना छोटी मोटी कंबली लेकर आए प्लीज़, ये तो मेरी जैकेट थी और शॉल था जिन्होंने हमें बचा लिया, ठंड है इतनी उतनी भी नहीं, तो आपसे मिलते हैं कटरा में। तो जय माता दी श्वेता, आपका रात का सफ़र कैसा रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा था, आपको जेन्युइनली नींद आई है क्या? मेरे को हाँ, अब हाँ आई थी, मतलब नींद तो नहीं आई थी पर ठीक है, कुछ पॉइंट के बाद वो उसने हवाई जहाज नहीं बना दी थी गाड़ी, हाँ मतलब लाइक कितने ज़्यादा जंप्स लग रहे थे इतने ज़्यादा, मुझे लगता है 120 से नीचे तो गाड़ी चल नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही थी। तो बस हम कुछ देर में शायद एक डेढ़ घंटे में हम पहुँच जाएंगे, दो घंटे में पहुँच जाएंगे माता रानी के द्वार कटरा। जय माता दी। हमारी शक्ति भवन डॉर्मेट्री आप देख सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं था तो ऑलमोस्ट खाली मिली हमें लकीली। तो बस ये सब है, हम नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुके हैं, हाय हेलो 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 हाय। तो बस अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं और जल्दी से चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये डॉर्मेट्री हमें पर पर्सन 150 रुपीज़ पड़ी थी, अच्छा है, बढ़िया है, अगर आपको वन डे के लिए स्टे करना है तो सबसे अच्छा है, वॉशरूम्स भी अच्छे हैं यहाँ पे, गीजर मिल जाएगा। तो बस हमने अब अच्छे से फ्रेश हो गया है, नहा लिया है, अब खाना खा के करते हैं चढ़ाई स्टार्ट। उससे पहले RFID कार्ड भी बनाना है, तो उसकी लाइनें लगना शुरू हो गई होंगी इस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा, तो चलते हैं और खाना खाते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है डन, और ब्रेकफास्ट में था छोले पूरी, और अब हम जा रहे हैं RFID कार्ड बनाने के लिए अन्नपूर्णा भवन में। हमें काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेस में ब्रेकफास्ट मिल चुका है, चना पूरी था और चाय, तो चाय इज़ मस्ट। तो अब हम चल रहे हैं RFID कार्ड बनवाने के लिए, जब हम यहाँ पे आ गए हैं RFID कार्ड बनाने के लिए। हाँ जी कार्ड बनवाना है? हाँ जी, नहीं नहीं बस कार्ड बनाना है, बस अब यहाँ पे हम कार्ड बनाएंगे। हम पहुँच गए हैं, पहुँच चुके हैं वैष्णो माता के द्वार कटरा में, और आप देख सकते हैं वो अर्धकुंवारी जी हैं। अब बस हम कुछ देर में अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और बस टॉप तक जाना है, इससे पीछे जाना है, ठीक है।
चलो चलते हैं, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। गए हैं इस टाइम माता रानी के द्वार जहाँ से हमारी एंट्रेंस है। अब यहाँ पे हमारी चेकिंग होगी, हमारे बैग्स की चेकिंग होगी, उसके बाद हम चढ़ाई शुरू करेंगे। तो जय माता दी। ये मेरे को जबरदस्ती बना दिया गया था, पर चलो जय माता दी। और अभी हमारी लेडीज़ की लाइन थोड़ी कम थी तो हम जल्दी फ्री हो गए हैं, लेडी गैंग ज़रा जल्दी फ्री हो गई है, और अभी हम अपने बाकी साथियों का वेट कर रहे हैं, फिर चलते हैं। हमने चढ़ाई कर दी है स्टार्ट, ठीक है, तो बस अब हिम्मत रखनी है। मेरी मम्मा ने कहा है हिम्मत रखनी है पारुल, चलो जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलते ही बहुत गर्मी लगने लग पड़ी है, तो अब जैकेट्स उतार दिए हैं और चलते हैं। शायद 1 किलोमीटर तो कर ही लिया है, बाकी भी कर लेंगे। जय माता दी। अपने पहले पड़ाव में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे मंदिर है श्री चरण पादुका, यहाँ पे शायद माता रानी के चरण होंगे अंदर। तो बस जय माता रानी, अब अंदर चलते हैं। तो यहाँ श्वेता हमारा वेट कर रही है। अच्छा, यहाँ से देख सकते हो ये सारा शहर कटरा। बस धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, माता रानी का नाम लेते जा रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस बस हम अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं, आप पीछे का व्यू देख सकते हो। शतन अभी मेरा फ़ोन नीचे फेंक दिया था, ठीक है। तो बस हमने एक्चुअली सीढ़ियों वाला रास्ता लिया हुआ है, 1000 सीढ़ियाँ तो कम से कम कर ही ली है। चढ़ तो हम गए हैं क्योंकि यंग ब्लड है ना अभी, और हमने टाइम भी अच्छे से कवर कर लिया है। 10 बजे स्टार्ट किया था, अभी 11:30-12 बजने को आए और हम अर्धकुंवारी पहुंच गए, तो आप सोच सकते हो कि हमने कैसी स्पीड रखी है। चलते हैं और आपसे अर्धकुंवारी मिलते हैं, आप पीछे का नज़ारा देख लो। ये रहा हमारी अर्धकुंवारी माँ का भवन, आप देख सकते हो यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं, वहाँ से आप वॉक करके आ सकते हो प्लेन रास्ता। और ये शहर, तो यहाँ से दर्शनी मार्ग जो है, यहाँ से जो कटरा जो मेन नीचे बेस कैंप आप बोल सकते हो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कहाँ, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे ना, आई थिंक 6 किलोमीटर है यहाँ तक, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 किलोमीटर और चढ़ना है। चलो तो गाइस कुछ ऐसा व्यू है ये यहाँ पे अर्धकुंवारी जी से, आप देख सकते हैं वो रहा माता जी का मंदिर, और ये कुछ व्यू है यहाँ से। कुछ साथी आगे हैं, कुछ साथी पीछे हैं। जय माता दी। हम यहाँ अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं, यहाँ पे अक्सर लोग आके रेस्ट करते हैं बिकॉज़ उन्होंने आधा रास्ता तय कर लिया होता है, आप देख सकते हो। तो हम भी यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर आगे का रास्ता तय करते हैं। जय माता दी। आप भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए, अगर आपको गर्भजून गुफा कर में जाना है, वहाँ पे दर्शन करने हैं, तो वहाँ से जाने का रास्ता है, पर उसकी बुकिंग ना बहुत पहले ही होती है। तो हमारा तो प्लान बहुत रैंडम बना था, तो हम बाहर से ही दर्शन करके भवन की तरफ चले जाएंगे। जय सारे बोलो, मैं नहीं सुनिया, उच्ची बोलो, जोर से बोलो, माता दी, जय माता दी। हिमकोटी पहुंच चुके हैं, तो भूख लग पड़ी, तो लंच में हम कर रहे हैं डोसा पार्टी। बस 3-4 किलोमीटर और हम पहुंच जाएंगे माता रानी के द्वार, अभी भोजन करते हैं। हिमकोटी में श्राइन बोर्ड की तरफ से डोसा पॉइंट मिल जाएगा, और ये भोजनालय मिल जाएगा जहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइजेस में सब कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल सकती हैं। तो आप यहाँ पे, बाकी जगह से यहाँ पे बहुत रीजनेबल प्राइस होता है बिकॉज ये श्राइन रोड की तरफ से होता है। तो आइए यहाँ पे आनंद लीजिए। एंड डोसा वॉज वेरी गुड, आपको डोसा कैसा लगा? डोसा कैसा लगा? बहुत अच्छा, बढ़िया। हंस क्यों रही हो आप, हंस क्यों रही हो हैं?
कर रही है हिमकोटी से भवन की ओर, 3 से 4 किलोमीटर बचता है। स्पीड हमने पकड़ी थी, आधा घंटे की ब्रेक ले ली बिकॉज जरूरी भी थी। अब हम चलते हैं। बंदरों से डर गई थी, बंदर बहुत खराब है यहाँ पे, तो चलते हैं। पहुँच गए, अभी भी थोड़ा दूर है बट हम पहुँच गए। मम्मी मैं पहुँच गई मम्मा गए माता जी के द्वार, और इस टाइम हम अंदर हैं पार्वती भवन। यहाँ पे आपको जो इतनी लंबी आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, ये सारी की सारी लॉकर्स के लिए लगी हुई है लाइन। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको लॉकर्स में सारा सामान, अपने शूज़, अपने जितना भी सामान है वो रखना पड़ेगा, तभी आप अंदर दर्शन करने के लिए जाओगे। तो अब हम इस लाइन में खड़े होते हैं और अपनी बारी का आने का वेट करते हैं। और वो वहाँ पे सामने जो है आपको दिख रही, ठीक है, यहाँ पे भेंट शॉप है, यहाँ पे प्रसाद के लिए यहाँ से हमें प्रसाद मिलेगा, जो कि हम माता रानी के मंदिर में चढ़ाएंगे और घर लेके जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ नज़ारा है। जय माँ वैष्णो देवी। ये है कुछ शाम का व्यू, बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। मैं व्लॉग बनाना भूल जा रही हूँ यार, शूट करना भूल जा रही हूँ, क्योंकि इतना मेजमराइजिंग व्यू है ना यार, ये मैं क्या बताऊँ। बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए हैं माता रानी जी के, बहुत ही अच्छे, बहुत ही जल्दी, ठीक है। हम टाइमली पहुंच भी गए थे, बस टाइम आपको पता है वहीं लगता है जब आगे थोड़ा सा, जब सारी पिंडियों के दर्शन करने होते हैं तब वहाँ टाइम लगता है, और लॉकर रूम में सामान रखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बस वहाँ टाइम लगने के अलावा। और वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हार्डली हमने सिर्फ 10 या 20 मिनट ही वेट किया होगा। और इतने अच्छे दर्शन हो गए हैं ना, हमें गुफा के दर्शन हुए कि जहाँ पे आरती की जाती है डेली, वहाँ पे दर्शन हुए, वो सारी गुफा के दर्शन किए हमने और पिंडियों के दर्शन किए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आप लोग भी आइए और आप लोग भी ये फील लीजिए। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर, भैरव बाबा जी के मंदिर। और वहाँ जाने के लिए जो रोपवे था वो बंद हो चुका है, उसकी जो टाइमिंग थी वो 4:30 बजे तक की थी और हमें नहीं पता था कि 4:30 बजे तक है। हम चाहते तो हम जल्दी भी आ सकते थे बट हमने वहाँ बहुत स्लो चले हैं बिकॉज नंगे पैर चलना था, तो कुछ साइड 1 किलोमीटर नंगे पैर चलना था, थोड़ा टफ हो रहा था चलना, तो हमने अब डिसाइड किया है कि अब हम पैदल ही जाएंगे। और हमने पहले ये सोचा था कि हम वापस जाएंगे कटरा तो हमने जाना है पर वापस चंडीगढ़ जाएंगे, बट अभी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम कटरा में ही स्टे करेंगे आज रात, और आज रात ही हम नीचे आ जाएंगे। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है यार, मैं खुद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, एक्चुअली मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब देखो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ कैसे, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा लॉस सा हो गई हूँ यहाँ पे। शायद इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इतना पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है, और सब कुछ अच्छे से हुआ है यार। मतलब मैंने कई वीडियोज़ ऐसी देखी थी तो वो कह रहे थे कि रश है इस टाइम, बट इस टाइम कोई रश नहीं है। हाँ, आपको एट द एंड ऑफ दिस मंथ आपको रश मिल सकता है बिकॉज न्यू ईयर है, बट इस टाइम कोई रश नहीं था, सब अच्छे से हुआ है। जय माता दी। बस अब हम भैरव बाबा के द्वार जाएंगे, अभी हम चाय बिस्किट या कुछ खा लेते हैं बिकॉज ठंड यहाँ पे बढ़ चुकी है, तो चाय बिस्किट खा के आपसे मिलते हैं। ये भवन रात को तो ना एक्चुअली कैमरा में इतना जस्टिफाई नहीं होता जितना आप एक्चुअल व्यू देखते हो। और हम यंग ब्लड फिर से सीढ़ियाँ ले लिए, मैंने कहा था सीढ़ियाँ मत लेना पर फिर से ले लिया बिकॉज जल्दी पहुँचना है, तो चलते हैं। जय माता दी, जय भैरव बाबा की। और कुछ इस तरीके से सनसेट हो रहा है, इतना प्यारा। शूट नहीं करने दे रहे यार, बहुत ही प्यारा सनसेट। हम भैरव बाबा पहुँच गए, लाइक मतलब इतना सुंदर व्यू, वन ऑफ द बेस्ट व्यूज हैव एवर सीन, बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा, ओह माय गॉड, हे ईश्वर, बहुत ही सुंदर यार, वाह। पर हम भैरव बाबा पहुँच गए बहुत हिम्मत करके 20 मिनट में। इस यंग ब्लड ने सीढ़ियाँ तो ले ली, अभी यंग ब्लड नीचे तक पता नहीं पहुँचेगा या नहीं। जय भैरव बाबा। बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमारे भैरव बाबा जी के और हनुमान जी के। अब कुछ देर में यहाँ पे आरती शुरू हो रही है, माता रानी के द्वार पे आरती शुरू हो रही है, तो यहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन है वहाँ पे दिखाई जाएगी, तो थोड़ी देर में अब आरती अटेंड करते हैं, थोड़ी सी यहीं पर बैठ के आरती सुनते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं।
20 मिनट में पहुंच गए हम ऊपर। यंग ब्लड ऐसे ही नहीं है, यंग ब्लड अब कल को लगेगा, पता लगेगा यंग ब्लड कितना है कितना नहीं। तो चलो जय हो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, टच विट आगे भी अच्छा ही होगा। आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे ना सिर्फ वीडियो ही दिखा रहे हैं, आरती शुरू हो चुकी है, ऑडियो नहीं आ रही। हम ऑडियो का वेट कर रहे हैं कि थोड़े बोल सुन लीजिए, बैठ के सुन लेते हैं और फिर चलते हैं। और ये कुछ इस प्रकार का सारा का सारा माता रानी का ट्रैक है, द्वार है। आप आइए और आशीर्वाद लीजिए। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। सारे मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय माता दी कर दीजिए, भर दीजिए सबको। और ये कुछ लकी वंस वहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि आरती अटेंड कर रहे हैं। भगवान हमें भी पहुँच दे कभी, हमें भी कुछ प्री प्लान करके हम आए और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आरती अटेंड करें। जय माता दी, माता रानी ज़रूर मौका देगी। और यहीं से ऊपर से नया इन्होंने एग्जिट बनाया है जहाँ पे घोड़े वगैरह हैं सबके लिए, बट हम तो जाएंगे पैदल क्योंकि हम हैं यंग ब्लड। ठीक है, तो हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही है, तो अब हम वापस जा रहे हैं। टारगेट है 10 बजे से पहले, 6 बज गए हैं, लेट्स गो। चलो उसी की खुशी में अब मैं डांस करूँगी। अभी व्यू थोड़ा थोड़ा पास आते जा रहा है बहुत दूर से, अब बस इतना सा बचा है, 6 किलोमीटर बचे हैं, बस पहुंच जाएंगे। जय माता दी। हम पहुंच गए हैं वापस कटरा और मैं इस व्लॉग को कर रही हूँ यही एंड। जय माता दी, बिकॉज अब मुझसे कुछ भी बोले नहीं जा रहा है। एक्चुअली यंग ब्लड के चक्कर में हमने उतरते टाइम एक भी पौड़ी नहीं छोड़ी, हम सारे पौड़ियाँ ही उतरते आए हैं और मैक्सिमम पौड़ियाँ ही चढ़ते गए थे। ठीक है, तो ना अब कुछ नहीं हो सकता। गाइस मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे पता है एक चीज़ वैसे कि मैंने अच्छे से कुछ भी शूट नहीं किया है और अच्छे से मैं नहीं आप लोगों को बता पाई हूँ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि मैं खो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं होता कि हाँ मैं व्लॉग भी शूट कर रही हूँ। फिर मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद याद आता है कि हाँ भाई हाँ मैं ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ। हाँ मतलब ये लोग याद दिलाते हैं कि मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जैसा भी है ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बस माता रानी का आशीर्वाद लीजिए, उनको देखिए और आप लोग भी आइए और माता रानी के दर्शन कीजिए। तो बाय बाय टाटा, आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, गुड नाइट।